सो टुडेज टॉपिक इज एरिथ्रोपोइसिस एंड इट्स रेगुलेशन। अच्छा, तो हम पहले बात कर लें एरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन पर। गैज, एरिथ्रोपोइसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स। ओके, सो नाउ वट आर दी स्टे वी विल डिस्कस वट आर दी स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रो या आर बी सी की फॉर्मेशन के प्रोसेस, जिन स्टेजेस से आर बी सीज बनते हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच आ स्टेम सेल बेसिकली। गाइज, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम सेल्स। ठीक है, वो स्टेम सेल्स डिफरेंट स्टेजेस से पास करते हैं और फिर मेच्योर आर बी सी बनाते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट स्टेजेस को उनके देखेंगे और फिर बाद में उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि आप उसको एस सी क्यू के तौर पे अगर वो आ जाए तो आप आंसर कर सकें एक लाइन में, या बाय वे के दौरान अगर वो पूछ लें कि स्टेज की क्या करेक्टरिस्टिक होती है तो वो। ठीक है, बाकी उसे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, लेट्स डिस्कस द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच अ स्टेम सेल पासिस एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इंटू मेच्योर एरिथ्रोसाइट। ओके, सो एज यू नो इन दी बोन मैरो, ठीक है, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स की खासियत क्या है कि ये प्लोरी पोटेंट होते हैं, यानी कि ये किसी भी सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मसलन ये आपके दी सेल्स कैन फर्दर डिफरेंशिएट इनटू आपके रेड ब्लड सेल्स, ओके, आपके वाइट ब्लड सेल्स एंड इनटू योर लिम्फॉइड सेल्स। ठीक है, बी एंड टी लिम्फॉइड सेल्स, ओके, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करें, आरबीसी की फॉर्मेशन। ओके, सो अब हम देखते हैं कि स्टेम सेल्स किस तरह आगे आरबीसीज में कन्वर्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, ये प्लोरिपोटेंट है। ठीक है, इनकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये किसी इनमें से किसी भी एक सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, सो स्टेम सेल्स गिव राइज टू सी एफ यू कलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल्स। ओके, ये सेल्स भी स्पेसिफाइड नहीं होते। ठीक है, ये इनमें से किसी भी एक सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, सो आगे। अच्छा, अब ये जो कलोनी फॉर्मिंग यूनिट होते हैं ना एरिथ्रोपोइसिस में, ये आगे प्रोड्यूस करता है या डिफरेंशिएट होता है बर्स्ट एरिथ्रॉइड, सॉरी एरिथ्रॉइड बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट या बी एफ यू ई। ओके, आपकी गाइडलाइन में इसको लिखा हुआ है एज कलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। ओके, जबकि मुश्ताक में लिखा हुआ है एरिथ्रॉइड बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट। ओके, सो कन्फ्यूज नहीं होना, एक ही सेल है जिसने आगे ये आगे क्या प्रोड्यूस करता है, एक मिनट। अच्छा, ये एरिथ्रॉइड बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट या कलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट जो है, ये आगे मेच्योर होता है तो प्रोड्यूस करता है प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट। ओके, अच्छा, अब आपने दो बातें याद रखनी हैं इन दो सेल्स के हवाले से। इसके हवाले से ये बात है कि ये स्पेसिफाइड है, यानी कि इसका कंफर्म है कि ये आगे आर बी सीज को ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स या डब्ल्यू बी सी की फॉर्मेशन ये किसी भी साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, ये आगे एरिथ्रोपोइसिस में ही, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस में ही पार्टिसिपेट करेगा, ये आगे आर बी सी ही बनाएगा स्पेसिफाइड आर बी सीज के लिए। उसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के हवाले से
रो एरिथ्रो ब्लास्ट के वाले से आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट प्रीकर्सर है जिसको हम मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, एज आरबीसी प्रीकर्सर। ओके, प्रीकर्सर सेल, ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजिकली या फिर यानी कि शेप वाइज या फिर सेल शेप सेल फॉर्म के वाइज, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये आरबीसी का फर्स्ट प्रिकर्सर है, या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है ये आगे डिफरेंशिएट करता है और बनाता है बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में माइटोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ओके, जैसा कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है, ये भी माइटोसिस करेगा, बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में भी माइटोसिस होगी, और ये आगे माइटोसिस के बाद, यानी माइटोसिस में क्या होता है, सेल एक सेल से आगे दो सेल बनते हैं, यानी कि सेल साइज डिक्रीज होता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का साइज बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट से बड़ा है। ओके, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट माइटोसिस करेगा, सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और वो मज़ीद सेल्स मेच्योर होंगे आहिस्ता आहिस्ता और बनेंगे पोली क्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, सॉरी, पॉलीक्रोमैटिक नहीं, पॉलीक्रोमैटो फिल, ठीक है, पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। इनको इस तरह नाम क्यों दिए गए हैं मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, बेजो सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, फिर आता है पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, और इसमें भी माइटोसिस पाया जाता है। ओके, अब ये सेल्स आगे मैच्योर होते हैं तो बनता है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट गिव्स राइज टू ऑर्थो क्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इनमें माइटोसिस नहीं होता, ठीक है, यह बात आपने याद रखनी है, नो माइटोटिक एक्टिविटी व्हाट्सोएवर। ओके, इससे आगे किसी भी सेल में माइटोटिक एक्टिविटी नहीं होगी, ये फिर इनके अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है। ओके, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट गिव्स राइज टू या मेच्योर होता है तो बनता है रेटिकुलोसाइट। ओके, और रेटिकुलोसाइट के मजीद जो सा है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ओके, ये उल्लास सेल है जो बोन मैरो में बनता है। ओके, और ये आगे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और 24 आवर्स रहने के बाद, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, रेटिकुलोसाइट ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है, और 24 आवर्स ब्लड में रहने के बाद ये बन जाता है मैच्योर एरिथ्रोसाइट। ओके, मैच्योर आरबीसी कौन सा है, डिफरेंट सेल्स के यानी के प्रीकर्सर सेल्स के, ठीक है, यानी के प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एंड बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स करने से पहले हम वो चेंजेस कर लेते हैं जो कि एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस के दौरान एक स्टेम सेल में आते हैं। ओके ओके, सो चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है, एक स्टेम सेल में ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। ओके, सबसे पहला चेंज आता है गाइस सेल साइज, तो लेट्स डिस्कस द वेरियस चेंजेस विच ऑकर इन अ स्टेम सेल ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, सेल साइज डिक्रीज करेगा। ओके, विद क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रही है ना, सो सेल साइज डिक्रीजेज। ओके, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस, सॉरी, साइटोप्लाज्म
टू न्यूक्लियस रेशो ये जो है ना ये करेगी इंक्रीज, सेल साइज डिक्रीज, ओके, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो इंक्रीज, वजह के न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रीकर्सर वो चेंज मेच्योर होते हैं, न्यूक्लियस का साइज श्रिंक करता है और साइटोप्लाज्म मोर प्रोमिनेंट मोर कोर्स होता है, ओके। नेक्स्ट चेंज क्या आती है, इसमें जो आरएनए है, ओके, साइटोप्लाज्म में आप पिक्चर देखेंगे ना जब डिफरेंट प्रीकर्सर साइज की, ठीक है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा। तो उनमें स्टेनिंग क्या होती है, पहले बेसिक स्टेनिंग होती है किसके वजह से, आरएनए की वजह से, ठीक है। सो इस आरएनए की वजह से जो बेसिक स्टेनिंग हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, ओके, आरएनए कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, ओके। चौथा चेंज, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ओके। हीमोग्लोबिन के ना चंक्स आते हैं, ठीक है, सबसे पहले आएंगे ये न्यूक्लियस के गिर्द, ओके, सिरा न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के चंक्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बेसिक स्टेनिंग भी होगी और एसिडिक स्टेनिंग भी होगी। जब सेल बेसिक स्टेनिंग और एसिडिक स्टेनिंग दोनों देगा तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोली क्रोमैटिजिया। द स्टेनिंग ऑफ अ सेल विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन्स इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटेजिया, ओके। सो बोथ स्टेन्स के साथ सेल्स स्टेन होगा, इसी की वजह से हम एक आपको याद होगा प्रीकर्सर सेल को पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट चेंज क्या आएगी, जो इनमें क्रोमाटिन मटेरियल होता है ना प्रीकर्सर सेल में अली, वो होता है रेगुलर, ओके। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो रेगुलर से हो जाएगा कोर्स गाढ़ा, ठीक है, और फिर इरेगुलर और फिर गायब हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है, या एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस आएंगी ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। एक और चीज़, डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं ना न्यूक्लियस के अलावा भी, मसलन आपके जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, और आपका आ जाता है इसमें गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियोलाई, ठीक है, ये डिसअपियर हो जाएंगे न्यूक्लियाई से और ये साइटोप्लाज्म से डिसअपियर हो जाएंगे, ओके। अच्छा, ये क्यों डिसअपियर होंगे, आपको जैसा पता है कि एरिथ्रोसाइट जो है मेच्योर एरिथ्रोसाइट उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ओके, उसमें कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट जो से प्रीकर्सर सेल्स थे उनके करेक्टरिस्टिक्स, ओके।